जय हिंद। आज है 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस वीडियो को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को डिस्कस करने से पहले आपको हम बता दें कि आज है 15 नवंबर 2023, यानी कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच है। तो आज वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, तो सेमीफाइनल मैच है। और आज है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच, जो कि आज फाइनल मैच है। तो गाइस देखना है भारत जीतती है इंडिया, हम भगवान से कामना करते हैं कि हमारी इंडिया सेमीफाइनल में जीते और फाइनल में भी जीते। तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की ओर। आज हमारा पहला क्वेश्चन गाइस, आज का हमारा जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन बहुत ही, आज हमारा पहला है प्रतिवर्ष बाल दिवस चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है। गाइस आंसर याद रहे 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। गाइस याद रहे 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो अगर चर्चा करते हैं तो हर साल 14 नवंबर का दिन सभी बच्चों के लिए बेहद खास होता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है गाइस याद रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के याद जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गाइस इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1964 से की गई थी। चिल्ड्रन डे कब से मनाया जा रहा है, तो 1964 से मनाया जा रहा है। गाइस याद रहे, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। मैं हूं आपका दोस्त आरजे राउत और आप देख रहे थे एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो अब बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। गाइस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो गाइस याद है 14 नवंबर कौन सा दिवस मनाया गया, तो चिल्ड्रन डे मनाया, किसकी याद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री की याद में। बात कर लें कब से मनाया जा रहा है, तो 1964 से मनाया जा रहा है। गाइस याद रहे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है विश्व की पहले चिकनगुनिया वैक्सीन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है। तो चिकनगुनिया वैक्सीन किसके द्वारा मंजूरी दी गई है गाइस याद रहे, तो अमेरिका के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा दी गई है। गाइस दुनिया की पहले चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका ने खाद्य और औषधि प्रशासन से मंजूरी दी है। इसे टीके इक्साचिक दिया गया है, किसे नाम दिया गया, इक्साचिक नाम दिया गया है इसको, टीका इक्साचिक नाम दिया गया है। गाइस याद रहे। बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करते हैं अमेरिका के बारे में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त आरजे राउत और आप देख रहे हैं एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में, अमेरिका के बारे में बताते हैं। राजधानी है नई दिल्ली, मुद्रा है करेंसी, संसद का नाम है कांग्रेस, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। याद रहे गाइस कमला हैरिस हैं। स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी वर्ल्ड ईगल है, ईगल में ईगल है, चील है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। गाइस याद रहे, सब याद रहे गाइस, जॉर्ज वाशिंगटन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में डिक्टाडोर कंपनी ने किसे नाम से दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ नियुक्त किया है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स को सीईओ नियुक्त किया है, तो मीका को नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया गया है, याद रहे मीका को नियुक्त किया गया है। तो हैंसन रोबोटिक्स पोलिश संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नाम दुनिया के सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को सीईओ नियुक्त किया, अपना सीईओ एमडी नियुक्त किया है। मीका नो को लोकप्रिय AIO रोबोट सोफिया बनाने के लिए कंपनी हैसन रोबोटिक ने बनाया था। गाइस तो याद रहे हैसन रोबोटिक ने बनाया था। मीका डेटा को तेजी से और सटीक रूप से अधिक संसाधित करने के लिए उतना AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करती है। गाइस याद रहे। अब बात कर लेते हैं भारत एवं विश्व का, विश्व में पहला, भारत और विश्व में पहले के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त आरजे राउत और आप देख रहे हैं एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है गाइस, जहां आज हमारा इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, तो सांची मध्य प्रदेश है, कौन सा है, सांची मध्य प्रदेश है। देश का पहला पशु सौदाह ग्रह कौन है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। गाइस याद है लखनऊ उत्तर प्रदेश है। अगला है शराबियों पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश है आयरलैंड, कौन है, आयरलैंड है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर कहाँ है, बेंगलुरु में है। और भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ है, हैदराबाद में है। गाइस याद रहे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने उड़ीसा तट से किस मिसाइल का संपूर्ण
सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने उड़ीसा के तट से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। याद रहेगा इस, अगर पूछा जाता है क्वेश्चन उड़ीसा के तट से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो प्रलय मिसाइल का किया गया है, याद रहे सफलता। और अगर बात करते हैं हाल ही में अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO ने प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, यानी कि प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। प्रलय सतह से सतह मार करने वाली ब्लास्टिक मिसाइल है गाइस, याद रहे। इस मिसाइल के मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर तक की है। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित है। कहाँ उड़ीसा है? अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित है गाइस। अब बात करते हैं DRDO के बारे में, DRDO के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। वीडियो में सबसे लेकर अंत तक बने रहे, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले बात करते हैं, पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO का पूरा नाम अगर पूछा जाता है गाइस हिंदी में, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। गठन 1958 में हुआ था, मुख्यालय इसकी नई दिल्ली है और अध्यक्ष हैं समीर वी कामत हैं गाइस। इसके अध्यक्ष कौन है DRDO का? समीर वी कामत है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त RJ रावत और आप देख रहे हैं एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल। अगला क्वेश्चन है गाइस, संसद की शीतलकालीन सत्र कब से शुरू होगा? तो याद रहे संसद का शीतलकालीन सत्र कब से शुरू होगा, तो याद रहे 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है संसद का शीतलकालीन सत्र। 4 दिसंबर से शुरू होगा गाइस संसद का शीतलकालीन सत्र। 4 दिसंबर 2022 से 2023 तक आयोजित होगा गाइस। सत्र में 19 दिनों में 15 बैठक होगी। यह नए संसद भवन में आयोजित होने वाले पहले पूर्ण सत्र भी होंगे। इससे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां संबंधित एक बिल जुड़ा होगा गाइस। क्या होगा? नियुक्ति से संबंधित एक बिल जुड़ा होगा, याद रहे। अगला है, अब नए संसद भवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप भी जानते हैं नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है। अब बात करते हैं नए संसद भवन के बारे में, तो भारत का नया संसद गाइस, याद रहे भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को हुआ था। नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 सितंबर 2023 को की गई थी। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हैं, वास्तुकार शिल्पकार जिसे बोलते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 828 हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? HCP डिजाइन किया गया गाइस, याद है HCP डिजाइन तैयार किया गया है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय है, याद रहे गाइस त्रिकोणीय है। बात कर लेते हैं नए संसद भवन क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो 6500 वर्ग मीटर है गाइस, याद रहे। संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग 6500 किलोमीटर है। तो गाइस याद रहे भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है, तो क्वेश्चन तुरंत पूछा जाए तो बता दीजिएगा नई दिल्ली में है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 मई 2023 को हुआ था। नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 19 सितंबर 2023 को की गई थी। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो बिमल पटेल हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के कितनी सीटें हैं? तो 828 सीटें हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी से तैयार किया गया? HCP डिजाइन से किया गया है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। और नए संसद भवन के क्षेत्रफल लगभग कितनी है? 65000 वर्ग मीटर है गाइस, याद रहे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन बहुत ही चर्चित हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चर्चित खिलाड़ी प्रणीत और अगला क्वेश्चन गाइस चर्चित खिलाड़ी प्रणीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो चर्चित खिलाड़ी प्रणीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो गाइस तीरंदाजी से। कैसे है? तीरंदाजी से। बैंकॉक में हो रहे एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में प्रणीत कौर ने ज्योति सुरेखा वेनाम को हराकर महिलाओं की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीता है? तो प्रणीत कौर ने किसे हराकर, बैंकॉक में चल रहा है तो याद रहे ज्योति सुरेखा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते हैं गाइस, याद रहे। कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट करंट अफेयर्स के बारे में, तो गाइस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त RJ रावत और आप देख रहे थे एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल। तो अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट के बारे में, स्पोर्ट के बारे में बात करते हैं। भारत को उन्नति हुड्डा से अबूधाबी मास्टर 2023 जीता है। कौन? भारत की उन्नति हुड्डा ने अबूधाबी में मास्टर 2023 जीता है। शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं गाइस। भारत ने ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी शतरंज अंडर 220 विश्व चैंपियन बने हैं गाइस। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने गोवा में किया है गाइस, याद रहे। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी गोवा में किए हैं। भारतीय टीम वनडे इतिहास में 3000 छक्का लगाने वाली पहले टीम बनी है गाइस, याद रहे। भारतीय टीम वनडे इतिहास में 3000 छक्का लगाने वाली बनी है। 19वें एशियाई खेल में 107 पदक के साथ भारत ने 14 स्थान पर रहा है गाइस। भारत ICC के 3 फॉर्मेट में नंबर 1 बना है गाइस, याद रहे।
तीन फॉर्मेट नंबर एक बना है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क, डेलास एवं फ्लोरिड में T20 वर्ल्ड कप 2024 होगा गाइस, याद रहे। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क, डेलास एवं फ्लोरिड में T20 वर्ल्ड कप 2024 होगा गाइस, अभी से जानते रहिए। आपकी क्या हुआ है भारत में, और इसके बाद होना है अमेरिका के न्यूयॉर्क, डेलास एवं फ्लोरिडा में T20 वर्ल्ड कप 2024 होना है गाइस, तो याद है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023 जारी की है। वर्ष 2022 में विश्वभर में क्षय रोग के सर्वाधिक मामले में 2.8 मिलियन टीवी मामले में भारत में पाए गए थे गाइस। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के कारण होने वाला संक्रमण रोग है गाइस। यह रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है गाइस, याद रहे। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में बात करते हैं, तो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। WHO की स्थापना 1984 में की गई थी, गाइस याद रहे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और WHO की मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है गाइस। अध्यक्ष इसके हैं टेड्रोस अधानोम है, और सदस्य संख्या इसकी 194 है गाइस। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे रावत, और आप देख रहे थे एग्जाम बस अड्डा यूट्यूब चैनल।